गाडरवारा में श्री देव राधा बल्लभ मंदिर गहोई वैश्य समाज गाडरवारा के द्वारा राधा बल्लभ सरकार को 56 भोग लगाकर प्रसादी लगाई गई। अन्नकूट के आयोजन पर राधा बल्लभ मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। राधा बल्लभ सरकार को विशेष साज सज्जा सुंदर वस्त्र शोभायमान हो रहे थे। सिर पर मुकुट, हाथों में बांसुरी शोभायमान हो रही थी। विशेष साज सज्जा के साथ राधा बल्लभ सरकार का श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम राधा बल्लभ सरकार की गहोई समाज की महिलाएं एवं सामाजिक बंधु, युवा वर्ग एवं अन्य समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर भव्य आरती की। 56 प्रसाद की भोग विशेष रूप से सजाकर भगवान को अर्पित किया गया। अन्नकूट नए अनाज का लगता है। इस दिन भगवान के निर्मित 56 भोग को बनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य की लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। जब भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी, साथ ही देवराज इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर गोवर्धन पर्वत का पूजन किया गया। उस बारिश से ब्रजवासियों को बचने के लिए सभी उस पर्वत के नीचे आ गए थे, जो कि 7 दिन तक वही रहे। भगवान को 56 भोग लगाने के पीछे एक कथा है। माता यशोदा प्रतिदिन अपने लाल कृष्ण को 8 प्रकार का भोजन बनाकर खिलाती थी। जब कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया तो वह 7 दिन तक भूखे रहे। 8वें दिन जब वह घर वापस आए, प्रतिदिन 8 प्रकार के भोजन के हिसाब से उन्हें 56 प्रकार का भोजन बनाकर खिलाया गया। तब से भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाने लगा और तभी से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ। गहोई वैश्य समाज के द्वारा गाडरवारा नगर एवं क्षेत्रवासियों ने विशाल भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। बोलिए, राधा वल्लभ लाल की जय। ये दीपावली के बाद मनाया जाता है। 11 तक कभी भी कोई भी अच्छा सा दिन देख के मनाया जाता है, लेकिन प्राय हमेशा संडे के दिन मनाते हैं ताकि सभी लोगों को संडे के दिन छुट्टी होती है, इसलिए अन्नकूट का प्रोग्राम मनाया जाता है। जबलपुर से डॉक्टर मंदिर में, राधा बाबा मंदिर में जो अन्नकूट का भगवान को प्रसादी लगाई जाती है, अन्नकूट का कैसा क्या महत्व रहता है? भारतवर्ष धर्म और संस्कृति का देश है। यहाँ पर भगवान, बहुत तरह के भगवान की पूजा अलग अलग चीज़ों के लिए की जाती है। जैसे हमारे यहाँ इंद्रदेव की पूजा होती है तो वो वर्षा के लिए की जाती है। तो ब्रजवासी जो है भगवान इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन फिर जब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं, आपकी रक्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है, ये गऊएँ करती हैं, तो आप उनकी पूजा नहीं करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो ये सुनकर के इंद्रदेव नाराज हो गए और उनने ब्रज में इतनी पानी की वर्षा की गोकुल में कि पूरा पानी में डूब गया। तब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की चिंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सारे ब्रजवासी सब उसके नीचे आ गए। इस तरह से उन्होंने 7 दिन तक उसके नीचे सब ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्रदेव के कोप को भी समाप्त किया। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में इंद्रदेव ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और उसके तभी से फिर ये अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। सब ब्रजवासियों ने मिलजुल करके बड़े 56 भोग भगवान के लिए बनाए और ये भोग प्रारंभ हुआ। तो इस पूजा को गोवर्धन पूजा कहते हैं और इसको अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। इस तरह मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के होते रहते हैं। जी जी, कहेंगे इस पर आप? ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इसी प्रकार से धर्म और अपने त्योहारों को मनाते रहेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगे, तो हमारे देश में हमेशा एक अच्छा हिंदू राष्ट्र बन कहलाएगा और संस्कृति की रक्षा होगी। गहोई समाज द्वारा प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसमें जो प्रसाद लगाया जाता है उसमें महिलाओं का भी विशेष सहयोग रहता है। महिलाएं अपने घर से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लाती हैं और फिर भोग प्रसाद में अपना सहयोग देती हैं।
और गाडरवारा महिला मंडल में बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम बहुत होते हैं और बहुत ही उत्साह से महिलाएं इसमें भाग लेती हैं और बाहर भी गहोई समाज में गाडरवारा का नाम इसलिए लिया जाता है। भारत देश की गहोई समाज की महिलाएं हैं, जिस प्रकार गाडरवारा में जो कार्यक्रम होते हैं महिलाओं के द्वारा, उन कार्यक्रम में नया संदेश मिलता है, कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, तो क्या संदेश देगी सभी महिलाओं को गहोई समाज? मैं गहोई समाज की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वे जब भी समाज में कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भाग लें और अपनी प्रतिभा को आगे लाएं, जिससे उनकी प्रतिभा को हम देख सकें और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। गाडरवारा के गाडरवारा मंदिर में आज भगवान को अन्नकूट प्रसाद 56 भोग पर लगाया गया एवं विशाल भंडारे का आयोजन है। अन्नकूट का कैसा क्या महत्व है? बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। मंदिर में अन्नकूट का भोग इसलिए लगाया जाता है, हमारे भारत में मान्यता है कि जब नया अनाज हमारे यहाँ आता है तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही सब लोग उसको ग्रहण करते हैं, तो इसलिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत को जब इंद्र भगवान के द्वारा की गई बारिश के बाद अपनी छिंगली पर भगवान कृष्ण ने उठाया था, तो उस समय ब्रजवासियों के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा करके, अन्य को इकट्ठा करने की उन्होंने सबको एक पर्वत के नीचे एक प्रेरणा दी थी और उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे सबको स्थान दिया था, तो उस समय सब ब्रजवासियों ने भी उस अन्न को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे एकत्रित कर लिया था और उसके बाद से ही भगवान कृष्ण की इस अन्नकूट के लिए पूजन होने लगी और यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में यह मान्यता लगातार चली आ रही है। इससे मनुष्य को एक ओर जहां स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर पूर्णतः परिवार में खुशहाली आती है, समाज भी समृद्ध होता है और इसीलिए हम सब लोग इस अन्नकूट महोत्सव को बहुत उत्साह और बहुत आनंद के साथ मनाते हैं। गहोई समाज में महिलाओं के द्वारा प्रत्येक वर्ष अन्न कार्यक्रम का आयोजन होता है, धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का। भारत देश की गहोई समाज की महिलाओं को क्या संदेश देंगी? गाडरवारा नगर में महिला मंडल निश्चित रूप से निरंतर नए नए कार्यक्रम करती है और परिवर्तित समय के साथ साथ निश्चित विकास को प्राप्त कर रही है। मैं भारतवर्ष की समस्त गोहोई महिला मंडल को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि समय के साथ अपने को बांध कर चलें और किसी प्रकार से पीछे रहने या रूढ़ियों से ग्रस्त रहने की कोशिश ना करें। निरंतर जो भी हमारे समाज में नई नई परिवर्तन आ रहे हैं, उनके साथ में अपने आप को भी एक कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ते रहें और सिर्फ यह सोचकर कि हम महिलाएं हैं अपने आप को कभी भी पीछे ना करें। तो राधा वल्लभ मंदिर में गहोई समाज का राधा वल्लभ मंदिर है, आज गाडरवारा नगर में विशाल भंडारे का अन्नकूट का आयोजन हुआ राधा वल्लभ सरकार के मंदिर में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये राधा वल्लभ मंदिर में अनेक वर्ष से परंपरा चली आ रही है, इसका निर्माण यहाँ की कमेटी करती है और मैं ये मानता हूँ कि गहोई समाज में एकता का एक इतना अच्छा उदाहरण है कि इससे और समाजों को प्रेरणा लेना चाहिए कि इकट्ठा कैसे रहते हैं और समाज कैसे चलाते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे इसी परंपरा का निर्वहन करते रहें और ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी की जय लगातार ऐसे ही जयकारा बजता रहे। धन्यवाद। आज भगवान को अन्नकूट का 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर एवं नगर ही नहीं आसपास के क्षेत्रों को विशाल भंडारे का आयोजन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है, किसी का तैयारी रहती है इसकी? कितनी क्या परेशानियाँ आती हैं आपको? श्री देव राधा वल्लभ मंदिर के द्वारा जो अन्नकूट की परंपराएं हैं ये पुरानी थी और उस सीमित दायरे में जब मंदिर में पर्याप्त बैठने की जगह नहीं थी
उस समय इस सामाजिक स्तर पर ही केवल सीमित रहता था और परिवार के मुखिया को केवल इसमें आमंत्रित किया जाता था। सहने सहने इस मंदिर का विस्तार और निर्माण हुआ, उन्हें निर्माण हुआ और पर्याप्त जगह होने के साथ साथ तत्कालीन कमेटियों के द्वारा जो निर्णय लिए गए कि इसको बृहद स्तर पर किया जाए। अन्य मंदिरों में भी ये कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं, परंतु गहोई वैश्य पंचायत समाज के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इसमें हम समाज के अलावा शहर के सारे प्रबुद्ध वर्गीय नागरिक और जितने मंदिर हैं उनके प्रमुख, समाजों के प्रमुखों को सबको सम्मानित करते हैं। चीचली सांखेड़ा जहाँ हमारी समाज है उनको भी करते हैं। इस बार का आयोजन आदरणीय निखरा परिवार के द्वारा किया गया है और महाकौशल के सारे हमारे गहू समाज के पदाधिकारी उनको भी आमंत्रित किया। रहा सवाल इसकी तैयारी का, तैयारी लगभग 15 दिन पूर्व ये निर्धारित है कि दीपावली के 14 तक इसका आयोजन होना चाहिए और इस आयोजन में लगभग 15 दिन पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ये कार्यक्रम किस दिन किया जाएगा और प्रत्येक घर से, समाज के लोगों के घर से यथोचित अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से सामग्री, अन्नदान और नगद दान, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। और कराने वाले तो श्रीदेव राधा वल्लभ जी हैं। इतना बड़ा जो अन्नकूट का आयोजन है उसमें लकड़ी राधा वल्लभ जी छिंगली राधा वल्लभ जी उठाते हैं। हम लोग पदाधिकारी छोटे छोटे, हम तो केवल उसमें एक अपनी सरोड़ी लगाते हैं, छोटा सा सहयोग करते हैं। और आदरणीय गिरीश भैया कार्यकाल में ये दूसरा आयोजन है और प्रयास जो भी कमेटी बन रही हैं वो ये प्रयास करती हैं कि इस बार जो हुआ है उससे इक्कीस ही होना चाहिए। ये अच्छी परंपरा और अच्छी बात है कि समाज में यह निर्विवाद परंपरा एक्सेप्ट की जा चुकी कि अगर अन्नकूट होगा तो वो इक्कीस ही होगा, 19 नहीं होगा। जो मंदिरों में अन्नकूट पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है, आपने देखा होगा कि गाड़ावारा में बहुत से मंदिरों में अन्नकूट का भंडारा चल भी रहा होता निरंतर होता आ रहा है। आज राधा वल्लभ मंदिर में गौरी समाज के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, भगवान को 56 भोग लगाए गए। आप गाड़ावारा क्षेत्र की विधायक, क्षेत्र की जनता के लिए, गौरी समाज के लिए क्या संदेश देंगे? आज भगवान के चरणों में आने का सुअवसर मिला। गहोई समाज ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और मुझे यहाँ प्रतिवर्ष आने का सौभाग्य भी मिलता है, तो मैं सभी गहोई समाज के लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हर मंदिर में होता है लेकिन हर मंदिर की महिमा और भंडारे की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन गहोई समाज के भंडारे की व्यवस्था कुछ हटके है और मुझे हर साल आने का मौका मिलता है और यहाँ की व्यवस्था देख कर लगता है कि कृष्ण भगवान की इन पर विशेष कृपा है। मैं चाहती हूँ भगवान सबको सुखी रखे, सबको, हमारे क्षेत्र को आनंद में रखे, यही मेरी सपना। मंदिर में अन्नकूट का जो कार्यक्रम किया गया ये श्री शिव कुमार जी निखरा के द्वारा किया गया, हम सभी को, सभी समाज के वर्ग लोगों को और सभी सामाजिक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देव राधा वल्लभ मंदिर का, हमारे प्रभु का वह जादुई स्पर्श जिसकी प्रेरणा से हम लोग कई वर्षों से, शायद जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से हमारी यह एक परंपरा जो चली आ रही है, निश्चित रूप से पूरे समाज के हर वर्ग की पूर्ण सहभागिता के साथ इस विशाल अन्नकूट का जो आयोजन होता है, इसमें हम शहर के सभी समाज के सभी मंदिर से इसमें सहभागिता होती है और प्रतिवर्ष अनुसार हमारा यह भगवान की महाप्रसादी पूरे सहयोग के साथ सारे लोगों को वितरित की जाती है। जय श्री कृष्ण। महाकौशल मंडल के नवयुवक अध्यक्ष नितेश गुप्ता, गाड़ावारा राधा वल्लभ मंडल में जो समय समय पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, आज विशाल भंडारे का आयोजन है, क्या कहेंगे आप? श्रीदेव राधा वल्लभ जी की ऐसी कृपा है कि पूरा गाड़रवारा ही इस अन्नकूट में समाहित हो जाता है और गहोई समाज के प्रत्येक घर से प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण और आना होता है, साथ साथ पूरा गाड़रवारा के सभी समाज वर्ग के लोगों को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, सभी लोगों को बुलाकर इस अन्नकूट का भव्य आयोजन हर बार होता है। इस बार श्री निखरा परिवार द्वारा इसमें विशेष सहयोग के द्वारा हुआ है, बाकी
समाज का पूरा हमेशा सहयोग और बृहद कार्यक्रम होता है ये। गहोई समाज के राधा वल्लभ मंदिर में आज अन्नकूट का आयोजन किया गया। क्या भारत देश में जहाँ जहाँ गहोई समाज है, मंदिर हैं, ऐसा अन्नकूट का आयोजन होता रहता है? ऐसा है, सभी गहोई समाज के मंदिरों में दीपावली के बाद अन्नकूट का एक बहुत बड़े महोत्सव मनाया जाता है। इसमें कटनी के बलैया जी का मंदिर 182 साल का हो गया है, वहाँ भी भाई दूज के दिन अन्नकूट मनाया जाता है। नगर के सभी परिवार गहोई समाज के आते हैं और अन्य समाज के आते हैं। आज यहाँ गाढ़ावाड़ा में राजा वल्लभ भवन में गहोई समाज के गाढ़ावाड़ा के एवं बाहर से आए हुए सज्जनों ने आशीर्वाद लिया, आरती की और महाप्रसाद महाप्रभु का आशीर्वाद सबको बना रहे, सब सुख शांति और बनी रहे इस कामना के साथ में गाढ़ावाड़ा में राजा वल्लभ मंदिर की आरती लगी। दीपावली हमारे वैश्यों का सबसे बड़ा पर्व है और दीपावली के पश्चात हम भगवान राधा वल्लभ जी के मंदिर में 56 भोग लगाकर और प्रभु से समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, समाज को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखने के लिए प्रभु से कामना करते हैं। आज गाढ़ावाड़ा में गहोई वैश्य समाज के सभी परिवारों के सहयोग से और नीखरा परिवार के विशेष सहयोग के द्वारा राधा वल्लभ मंदिर ट्रस्ट कमेटी के संयोजकत्व में भव्य आयोजन 56 कूट 56 भोग अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कटनी से राष्ट्रीय गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ के महामंत्री श्री दयाशंकर कनकने जी, जबलपुर से हमारे महाकौशल क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा के उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर रमेश पेपर सानिया जी, श्री राम गोपाल जी बजाज, हमारे श्री नोगरैया जी स्थानीय, सभी लोग आज बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ गाढ़ावाड़ा नगर में राधा वल्लभ मंदिर में पधारे हुए हैं। और हम सभी कामना करते हैं कि गहोई वैश्य समाज हमारे नगर का प्रतिनिधित्व करे और नगर को एक संदेश दे, भगवान का आशीर्वाद हम सबको सदैव प्राप्त होता रहे, यही हमारी कामना है। गाढ़ावाड़ा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।